वेलकम टू माय चैनल सास बहु दुनियादारी। आज हम कोई कुकिंग नहीं करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं और मुझे पता है ये ट्रिक आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो जो गर्मियों का मौसम आ रहा है और सर्दियों में हमें जो है धनिया के पत्ते जो है 10-20 रुपए गड्डी मिल जाते हैं, यही मिट तो जी हाँ, इसे हम आपको बहुत ही अच्छे से इसे स्टोर करना बताएंगे। तो हमारी वीडियो पे बने रहें और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो पे ऐसे ही बने रहें। तो देखिए, हमने मार्केट से बढ़िया फ्रेश हरी धनिया के पत्ते लिए हैं। देखिए कितना ज्यादा फ्रेश है, बिल्कुल ताजी हरी भरी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे हमें अपने पत्तों को देखना है ठीक से। ऐसे ही नहीं बस स्टोर कर लेना है, क्योंकि बहुत लोग बिना धुले ही इसे स्टोर कर लेते हैं। तो बहुत ही ऐसे ट्रिक हैं जो हमारे साथ आप बने रहें तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने इसकी गड्डी को खोल लिया है और ऐसे नहीं करना कि पूरे जड़ जो है हमें निकाल देना है, इसे भी अच्छे से देख के हमें निकालना है। तो हम यहाँ से कट नहीं कर लेंगे, जड़ भी देखेंगे क्योंकि महक खुशबू जो है वो हमारे जड़ में ही होते हैं। तो जो ये देखिए इसके बीच में जो ये हरी धनिया है, सबसे ज़्यादा ये खुशबू इसी में ही होते हैं। तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेंगे और फिर यहाँ से ये निकाल देंगे और ऐसे करके हम अपने सारे धनिया के पत्ते को विचार। तो धनिया के पत्तों में भी एक्स्ट्रा जो पत्ते होते हैं उसे हमें निकालना है और जो बेकार पत्ते हैं जैसे ये ऐसे काले थोड़े पड़े हैं इनको भी हम निकाल लेंगे। और ये जो जड़ हैं सीधे हम जड़ नहीं काटेंगे, इनके बीच में जो छोटी सी हरी धनिया होती है सबसे ज़्यादा खुशबू यहीं पे होता है, देखिए आप। तो इसको हम सबसे पहले तोड़ के निकाल लेंगे क्योंकि अगर जड़ के साथ ये भी चला जाता है, और फिर यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही हम अपने सारे धनिया को अपने पत्तों को अच्छे से देख लेंगे कि कोई बेकार पत्ते तो नहीं हैं। तो सारे पत्तों को हम ऐसे ही कर लेंगे, ये देखिए है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट और सबसे ज़्यादा खुशबू भी यहीं पे होता है, आप देखिएगा चाहे तो। इसे भी हम ऐसे ही कर लेंगे जी हाँ, जो आजकल मार्केट में हमें बहुत सस्ते प्राइस पे मिल जाते हैं सेम वही गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है जैसे। तो इसलिए हम ये ट्रिक आपके साथ शेयर करना चाहे कि हम आपके साथ ये शेयर करें। जैसे हमें गर्मियों में पानी पूरी के पानी बनाने में यूज़ आएगा, चटनी में यूज़ आएगा और किसी भी सब्ज़ी में भी आप डाल देंगे तो खुशबू सेम वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसे हम धूप में नहीं सुखाएंगे कि हमारी जो हरी है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसे हम बताएंगे आप ट्रिक को जानने के लिए, ऐसे हमारे वीडियो पे बने रहें। जी हाँ, मैंने अपने पत्तों को अच्छे से देख लिया है कि इसमें जो भी बेकार पत्ते थे उनको निकाल लिया और जो मोटे जड़ थे उनको भी निकाल दिया है। अब इसे हमारी वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और अब इसे हम कैसे वॉश करेंगे कि हमारा जो धनिया जो पाउडर हम बनाएंगे वो ज़्यादा समय तक टिका रहे और ऐसे ही बिल्कुल हरे भरे रहें, हमारे पत्ते जो हों पीले ना हों। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसे वॉश करें। आप कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए, कोई टब ले लीजिए, मैंने एक बड़ा भगोना ले लिया है और 1 लीटर के करीब ठंडा पानी है। ठंडा पानी से आपका जो है हरापन जो है वो लॉक हो जाएगा और इसमें हम डालेंगे सब ये आइस क्यूब, इससे जो है हमारी जो हरी धनिया का फ्रेशनेस है वो भी लॉक हो जाएगा। तो ऐसे हमें नॉर्मल वाटर से नहीं वॉश करना है और इसे देखने धनिया को थोड़ा थोड़ा डाल के ऐसे ठंडे वाटर में वॉश करेंगे। और हमें एक पानी से नहीं वॉश करना है, 2-3 पानी से वॉश करना है, लेकिन जब पहली बार हम धुलेंगे तो उसमें आइस और ठंडा पानी से ज़रूर वॉश करें ताकि हमारा फ्रेशनेस लॉक रहे और ये अच्छे से हमें वही खुशबू और वही फ्रेशनेस गर्मियों में महसूस हो चटनी में और पानी पूरी के पानी में। तो देखिए कितना गंदगी है और कुछ लोग ऐसे ही बिना वॉश किए इसे स्टोर कर लेते हैं। तो जी आप ये गलती कभी ना करें, हमेशा वॉश करके, ये हमारे पेट में कितनी सारी गंदगी और मिट्टियां जाके जम जाती हैं। तो ऐसे ही अपने पत्तों को वॉश कर लेंगे और बहुत ही ठंडा हमारा पत्ता हो गया है और देखिए बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे हरे पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद हैं, चाहे वो धनिया हो। और ऐसे ही आप मेथी भी स्टोर कर सकते हैं, अगर मुझे मेथी आपको हम मेथी भी दिखा देंगे कि कैसे उसे हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जब मौसम चला जाता है तो वो चीज़ खाने का ज़्यादा ही मन करता है। तो ये हमारे पत्ते धुल चुके हैं, अब इस पानी को हम फेंक के दूसरा बढ़िया फ्रेश पानी लेंगे और उससे दोबारा वॉश करेंगे। 2-3 पानी हम वॉश करके तब आपको हम पत्ते दिखाते हैं।
ये देखिए हम इसे दोबारा सारे पत्ते, मैंने एक गड्डी बना लिया है काटने के लिए। अब इसे हम बढ़िया बारीक चॉप करेंगे, मोटा नहीं करेंगे। सबसे पहले ये जो आगे की है इसे निकाल देंगे ताकि हमारी जो है गड्डी वो बिल्कुल बराबर हो जाए और जो ऊपर के डंठल हैं वो निकल जाएं। तो इसे हमें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है, मोटा नहीं करना है क्योंकि इसे सूखने में टाइम ना लगे। क्योंकि हमें इसे, आप तो जानते हैं इसे हमें कहाँ सुखाना है, जी हाँ इसे हमें धूप में नहीं सिखाना है। इसे हमें अपने कमरों में या आप किचन में किसी कपड़े पे सुखाना है ताकि इसका जो ये है फ्रेशनेस बना रहे और ये ग्रीन का ग्रीन ही रहे। अगर हम धूप में सिखाएंगे तो ये पीला हो जाएगा या काला भी हो सकता है। तो इसे हम ऐसे सेम ग्रीन होने के लिए हम अपने कमरे में ही इसे सुखाएंगे। तो इसे जितना भी बारीक हो सके उतना बारीक हम काटेंगे। ऐसे ही अपने सारे पत्तों को हम काट लेंगे। एक बार काट लिया है और जो ये बाकी एक गड्डी और है उसे भी हम ऐसे ही काट लेंगे, बी केयरफुली। तो ये देखिए हमारे सारे जो है पत्ते कट चुके हैं बारीक बारीक। हमें मोटना नहीं काटना है, मैंने बता दिया कि इसे सूखने में टाइम लगेगा। जितना बारीक रहेगा उतनी ही जल्दी हमारे ये पत्ते सूख जाएंगे। तो अब इसे हम कैसे फैलाएंगे ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो हमारे वीडियो को आप स्किप ना करिएगा, प्लीज़ हमारे वीडियो पर बने रहें और पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो ये देखिए मैंने एक कॉटन का बढ़िया क्लीन कपड़ा बिछा दिया है अपने किचन, और फिर अपने हम पत्तों को ऐसे करेंगे, इसे पतला पतला एकदम बिछा देंगे और इससे हमारी जो धनिया है वो जल्द से जल्द सूख जाएंगे। और आप ये बिल्कुल भूल ना करिएगा कि आप जल्दबाजी के चक्कर में इसे धूप में डाल दें। प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा क्योंकि अगर आप धूप में सिखाएंगे, मैं दोबारा बताना चाहती हूँ, तो ये काले हो जाएंगे या तो फिर पीले हो जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप बिल्कुल ग्रीन हरा पत्ता चाहते हैं तो आप घर में ही सुखाएं। और देखिए हमारे सारे पत्तों को अच्छे से बिछा दिया है और इन्हें सूखने में 2 दिन का तो वक्त लगेगा ही। तो देखिए ये हमारी हरी धनिया जो है वो सूख चुकी है, आपको थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी। और इन्हें सूखने में 2 दिन का समय लगा और बहुत ही अच्छी तरीके से सूख गया है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप धूप में सुखाएंगे तो काला हो जाएगा, और सेम मैंने धूप में नहीं सुखाया है, अपने रूम में ही सुखाया है। तो ये बहुत ही जैसा ही नेचुरल कलर होता है हरी धनिया का, सेम वैसा ही है। तो आप चाहें तो इसे हम पाउडर बिल्कुल फाइन बना सकते हैं, और नहीं तो जैसे हम कसूरी मेथी यूज करते हैं क्रश करके डालते हैं, आप ऐसे ही हरी धनिया को क्रश करके डाल सकते हैं। तो अब इसे हम एक कर लेते हैं एक प्लेट में, देखिए। और आप ज़रूर से ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें। मेरी तो गर्मियों की हो गई है तैयारी कि अपने खानों में कैसे हम टेस्ट बढ़ाएंगे और हरी धनिया की याद मुझे ना आए। और मैंने कर लिया है स्टोर, तो प्लीज़ आप भी ये, अभी धनिया का है मौसम मिल रहा है तो आप भी ऐसे कर लीजिए स्टोर, ताकि तो मैंने इसे खाली कर लिया है प्लेट में। अब इसे हम कैसे करेंगे स्टोर हम आपको वो भी बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है कि इसे कैसे, इनके पत्तों को देखना है कि अच्छे पत्ते हमें कैसे कलेक्ट करने हैं और कैसे वॉश करना है और कैसे सुखाना है। अब सबसे लास्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप यही है कि हमें इसे कैसे स्टोर करना है ताकि, और जी हाँ ये बिल्कुल याद रहे कि हमारी धनिया जो है अच्छे तरीके से सूखी हो, नहीं तो फंगस लगने का डर रहता है। तो अब इसे हम करते हैं स्टोर। तो मैं आपको स्टोर करना आपको 2 तरीके से बताऊंगी कि आपको जैसा भी आपको घर में मिल पाए आप वैसे स्टोर करें। तो पहला तो मैं आपको बताऊंगी, आप तो ये समझ गए होंगे कि ये क्या है, ये मिठाई का डिब्बा है। आप ऐसे डिब्बे में भी आप रख सकते हैं। ये मिस मिठाई के डिब्बों को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। फिर उसके बाद हम, ये टिश्यू पेपर है
उसको मैं अच्छे से इस डिब्बे पे लगा दूँ। टिश्यू पेपर को मैंने अच्छे से इस पे बिछा दिया है, आप देख रहे होंगे। और फिर इसमें हम अपने ये सूखे हुए हरी धनिया को इसमें डाल देंगे। और सबके घरों में मिठाई के डिब्बे इजिली मिल जाएंगे, तो इस तरीके से आप अपने धनिया को अच्छे से स्टोर कर लीजिए। तो धनिया के पत्तों को कैसे स्टोर करना है ये दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये मैंने पॉलिथीन भी घर में इजिली से मिल जाता है और उसमें मैंने अपने धनिया को रख दिया है और सील कर दिया है। अब इसे हम कर देंगे फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको ये मेरा ट्रिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने में तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करिएगा और गर्मियों में इसके साथ एंजॉय करिए। अपने अनुभव सास बहू दुनियादारी के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।